नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। आइए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। हाथरस केस में अब सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री होने वाली है। ईडी जातीय हिंसा भड़काने के मकसद से वेबसाइट बनाकर दुष्प्रचार किए जाने के संबंध में हाथरस पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की जांच कर रहा है। अब इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज करने की तैयारी में है। हाथरस गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने साजिश का दावा किया है। इस दावे के बाद एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और हाथरस आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच मथुरा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों हाथरस जा रहे थे। इन चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से बताया जा रहा है। हाथरस की एक और बेटी की दुष्कर्म के बाद मौत हो गई। दरअसल 15 दिन पहले सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई निवासी 6 वर्षीय बालिका के साथ अलीगढ़ जिले के इगलास गांव में रेप की घटना हुई थी। लड़की का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। लड़की की अब मौत हो चुकी है। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर में हुई घटनाओं पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी समन्वय की गैर जरूरी टिप्पणी पर भारत ने सोमवार को कहा किसी भी बाहरी एजेंसी की टिप्पणी को नजरअंदाज करना उचित होगा क्योंकि मामले में जांच अभी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। नोखा से अनीता देवी, चकाई से सावित्री देवी, जमुई से विजय प्रकाश यादव, जहानाबाद से सदोई यादव, रामगढ़ से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष, शाहपुर से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी और शेखपुरा से विजय सम्राट को टिकट दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। 3 चरणों में ये चुनाव होने जा रहा है। प्रथम चरण में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के लिए आज 5वें दिन भोजपुरा में महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद ने नामांकन भरा। राजस्थान के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए कांग्रेस के दिग्गज नेता कैलाश त्रिवेदी का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। विधायक त्रिवेदी 1 महीने पहले कोरोना संक्रमित होने के बाद भीलवाड़ा जयपुर से उपचारित थे, लेकिन हालत गंभीर होने पर 5 दिन पूर्व ही सरकार ने एयर एम्बुलेंस से उन्हें गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करवाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से वापस लौटकर व्हाइट हाउस आ गए हैं। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप वॉटलर रीड मेडिकल सेंटर से डिस्चार्ज होकर वापस व्हाइट हाउस पहुंचे। हालांकि वो अभी कोरोना वायरस से ठीक नहीं हुए हैं और अभी भी कोरोना पीड़ित हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चाएं और जांच चल रही हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स की 7 डॉक्टरों की टीम ने बीते दिनों अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि अभिनेता की मौत आत्महत्या करने से नहीं हुई है। ऐसे में इसमें मर्डर जैसी कोई बात नहीं है। आईपीएल के 13वें सीजन के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी। सोमवार रात दुबई में दिल्ली ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रनों से मात दी। 197 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 137 रन ही बना पाई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।